OSPF stand for open, shortest, path first. OSPF जो है वो एक open standard routing protocol है. It is a open standard routing protocol. मतलब हर एक वेंडर के डिवाइस में OSPF प्रोटोकॉल की सपोर्ट मिलती है. ठीक है, ओ से क्या मतलब है? ओपन, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट. ये आपकी एक SPF एल्गोरिदम होती है जो OSPF यूज करता है. जैसे EIGRP जो था वो ड्यूअल एल्गोरिदम यूज करता था, याद है ना? तो OSPF जो है वो SPF एल्गोरिदम यूज करता है फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन. बात करेंगे SPF एल्गोरिदम के बारे में हम लोग. इसी में मेंशन करना, इट इज ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल. इट इज ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल. लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मतलब है? हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में. लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का जो वर्किंग बिहेवियर था वो क्या था? राउटर्स अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो पीरियोडिकली शेयर नहीं करते थे. जब भी कुछ चेंजेज आता था तभी इंफॉर्मेशन शेयर करता था, और वो भी सिर्फ पार्शियल इंफॉर्मेशन. जिसके अंदर चेंज होता था वही इंफॉर्मेशन क्या करता था? वो शेयर करवा रहा था. ठीक है ना? और हम लोगों ने डिस्कस किया था जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो जब भी अपने प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो कभी भी एक हॉप काउंट वैल्यू सेट करके नहीं भेजते, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है. लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का बिहेवियर क्या रहता है? नेक्स्ट इसी में मेंशन करना, इट इज एन IGP प्रोटोकॉल. अब IGP प्रोटोकॉल से क्या मतलब है? विद इन AS वर्क करता है, है ना? एक IGP प्रोटोकॉल है ये. इसमें मेंशन करना, ये जो मैट्रिक यूज करता है, मैट्रिक क्या यूज करता है? कॉस्ट. ये कॉस्ट को एज ए मैट्रिक यूज कर रहा होता है. EIGRP मैट्रिक कैसे कैलकुलेट करता था? EIGRP मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें यूज करता था मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए ना. बट जो OSPF है वो मैट्रिक के लिए क्या यूज कर रहा होता है? कॉस्ट. और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करता है राउटर, वो बात कर लेते हैं. कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करता है ये. रेफरेंस बैंडविड्थ यूज करता है. बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू होती है, एक रेफरेंस बैंडविड्थ होती है जो होती है 100. इस रेफरेंस बैंडविड्थ को डिवाइड करता है लिंक की बैंडविड्थ से. जैसे कोई लिंक है हमारा 100 Mbps का, तो किससे डिवाइड कर देगा इसको? 100 से. तो यहां पे जो ये बैंडविड्थ रखेगा ना, ये Mbps में रखेगा. ठीक है? अरे तुम इसको भी लेट लेके आने लगे क्या है? अरे टाइम से आएगा, अब तो तेरे बाल भी आने लग गए हैं. तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा? रेफरेंस बैंडविड्थ यहां पे होती है, बाय डिफॉल्ट 100 होती है, और इसको बैंडविड्थ से, लिंक की बैंडविड्थ से डिवाइड करता है. और जो लिंक की बैंडविड्थ होती है वो किस में रखता है? वो Mbps में. तो रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी, सॉरी ये इक्वल टू क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसकी, एक फास्ट इथरनेट लिंक की, फास्ट इथरनेट लिंक की जो कॉस्ट रहेगी वो कितनी रहेगी? रेफरेंस बैंडविड्थ को लिंक की बैंडविड्थ से डिवाइड करेगा तो कितनी आएगी? 1. तो फास्ट इथरनेट लिंक की कॉस्ट रहती है कितनी? 1. अगर मैं बात करूं एक इथरनेट लिंक की, कितनी कॉस्ट होगी इथरनेट लिंक की? 10 कॉस्ट रहेगी. अगर मेरे पास में कोई सीरियल लिंक है, सीरियल लिंक की कॉस्ट कितनी रहेगी? वो 100 को डिवाइड करेगा, रेफरेंस बैंडविड्थ को डिवाइड करेगा किससे? लिंक की बैंडविड्थ से. और सीरियल लिंक की बैंडविड्थ कितनी होती है? 1.54 Mbps, है ना?
तो कितनी आ जाएगी, 64 पॉइंट समथिंग आएगी कुछ वैल्यू। तो ये पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करता ओएसपीएफ, तो ये क्या रख लेगा उसको, 64। तो इस तरह से ये क्या करता है, अपनी मैट्रिक कैलकुलेट करता है, और मैट्रिक के लिए क्या यूज कर रहा होता है ये, कॉस्ट। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये किस तरह से यूज करता है इनको। लेट्स सपोज मेरे पास में यहाँ पे एक R1 राउटर है, R2 है एंड R3 है, ये तीन राउटर अटैच्ड है। इनके बीच में जो लिंक है वो कौन से हैं, सीरियल लिंक है, और यहाँ पे एक इथरनेट लिंक के साथ में एक स्विच कनेक्टेड है, और स्विच पे ये एक 10 का प्रीफिक्स यूज हो रहा है। तो एक बात बताओ, इस लिंक की कॉस्ट कितनी रहेगी, और इस लिंक की कॉस्ट कितनी रहेगी, और इस वाले लिंक की कॉस्ट कितनी होगी, इथरनेट लिंक है तो 10 है ना। तो अब ये जो 10 का प्रीफिक्स R1 को जब रिसीव होगा तो कॉस्ट कितनी, मैट्रिक कितनी आ जाएगी, हाँ 64 एंड 10 कितनी होगी, इसको ये 138 कोस्ट से रिसीव होगा। तो इसको कोस्ट को एज ए मैट्रिक यूज करेगा। अब सेम प्रीफिक्स कोई और पाथ से रिसीव हो रहा है, मैट्रिक क्या ज्यादा है, तो कौन से पाथ को प्रेफर करेगा, जिस पाथ की मैट्रिक क्या होगी, कम होगी, ठीक है। कुछ केसेस बन जाते हैं जिन केसेस में हमें ये रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करनी पड़ती है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऐसे केसेस बन जाते हैं जिनमें हमने रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करनी पड़ती है। लेट्स सपोज R1 राउटर है मेरे पास में एक, R2 एंड R3, ये तीन राउटर अटैच्ड हैं। ये है हमारा लिंक कौन सा, फास्ट इथरनेट लिंक, और ये कौन सा है, 1 GB है, ये 1 GBPS का लिंक है। और स्विच के साथ में इन दोनों राउटर के पास में एक प्रीफिक्स है यहाँ पे 10 का, 10.1.1.0/24। ये इथरनेट लिंक है हमारा, या फास्ट इथरनेट लगा लो इसको, और ये भी लिंक कौन सा है, फास्ट इथरनेट। इस फास्ट इथरनेट लिंक की कॉस्ट कितनी रहेगी, इस फास्ट इथरनेट लिंक की कॉस्ट कितनी रहेगी, इसकी भी बन रहेगी। अब बात करें अगर इस गिग लिंक की कॉस्ट कितनी रहेगी, 100 को डिवाइड करेगा रेफरेंस, सॉरी इस रेफरेंस बैंडविड्थ को डिवाइड करेगा लिंक की बैंडविड्थ से, तो MBBS में रखेगा ना, तो इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 समथिंग जो भी वैल्यू आएगी। तो ये पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करता, और जीरो भी कभी यूज नहीं करता, तो वैल्यू कितनी रखेगा वो, 1। तो इस वाले लिंक की भी कॉस्ट कितनी रहेगी, 1। समझ में आ रही है बात। अब मेरे पास में सेम प्रीफिक्स R1 के पास में R2 से भी रिसीव हो रहा है, और ये प्रीफिक्स आपका R3 से भी रिसीव हो रहा है। जब R2 से आ रहा है कॉस्ट कितनी है, और R3 से आ रहा है तो कॉस्ट कितनी है, कौन सा पाथ प्रेफर करेगा इनमें से, ये क्या करेगा अभी यहाँ पे लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा, दोनों पाथ से मैट्रिक क्या आ रही है सेम, तो लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहा होगा। पाथ यूज कौन सा करना चाहिए इसको, R3 से यूज करना चाहिए, क्योंकि उस वाले पाथ में बैंडविड्थ क्या है, लिंक क्या है, हाई बैंडविड्थ का है ना, तो वो यूज करना चाहिए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग जो रेफरेंस बैंडविड्थ है, जो रेफरेंस बैंडविड्थ है जिसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उस रेफरेंस बैंडविड्थ को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। रेफरेंस बैंडविड्थ हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो मैं रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी कर देता हूँ, आप रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी रखोगे, जो आपके नेटवर्क में अगर 100 Mbps लिंक से ज़्यादा का लिंक है, 100 Mbps से ज़्यादा का अगर लिंक है, तो उस लिंक पे जो स्पीड है उसके इक्वल रखोगे या फिर उससे ज़्यादा रखोगे, कम नहीं रखोगे। तो मैंने कितनी कर ली रेफरेंस बैंडविड्थ कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सभी राउटर पे 1000। तो अब इस वाले लिंक की कॉस्ट कितनी निकलेगी, इस लिंक की बैंडविड्थ कितनी है, तो कितनी आ जाएगी, इस वाले लिंक पे कॉस्ट रहेगी 10, इस पे भी 10, इस पे भी 10, और इसकी कितनी रहेगी, 1। तो नीचे वाले पाथ से जब प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है तो कॉस्ट कितनी आ रही है,
11, और ऊपर वाले पाथ से जब प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है तो कॉस्ट कितनी आ रही है 20, कौन सा पाथ यूज करना स्टार्ट कर लेगा ये R3 से, R3 वाले पाथ को राउटिंग टेबल में क्या कर लेगा इंस्टॉल कर लेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके नेटवर्क में 100 Mbps से ज़्यादा का अगर लिंक है टोपोलॉजी में एक आपके नेटवर्क में, तो उस केस में आप क्या करोगे रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करोगे, और रेफरेंस बैंडविड्थ जो है वो आपको हर एक राउटर पे क्या करोगे आप चेंज करोगे। आगे बात समझ में क्लियर है इतनी चीज बोलो। नेक्स्ट देखें इसी में मेंशन करना जो इसकी एडी वैल्यू होती है वो कितनी होती है 110। जैसे EIGRP की एडी वैल्यू थी 9170 ना, यहाँ पे दो एडी वैल्यू नहीं है, एक ही एडी वैल्यू है 110। और इसी में देखना इट यूजेस आईपी प्रोटोकॉल नंबर यूज करता कौन सा 89। चलो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें एक और लाइन ऐड कर लेना, इट यूजेस मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस, एक मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस यूज करता है कौन सा 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। अगर कोई राउटर ने कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है टू ऑल राउटर्स, तो जो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा वो .5 एड्रेस पे शेयर करेगा, ठीक है। देखो अगर कोई राउटर OSPF की कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा है और सभी राउटर को शेयर करना चाह रहा है, तो किस एड्रेस पे इंफॉर्मेशन शेयर करेगा .5 एड्रेस पे। अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है कोई राउटर के पास में .5 एड्रेस पे, तो जितने भी राउटर होंगे वो सभी राउटर उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे। .5 एड्रेस को सभी राउटर लिसन कर रहे होते हैं जिन पे OSPF चल रहा है, समझ में आ रही है ना बात। और जो 224.0.0.6 एड्रेस यूज करता है वो यूज करता है DR राउटर। आने वाले टाइम में हम लोग DR BDR के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर किसी राउटर ने कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है सिर्फ DR राउटर के साथ में, तो किस एड्रेस पे इंफॉर्मेशन मल्टीकास्ट करेगा .6 एड्रेस पे। वो जाएगी सभी के पास में, स्विच के पास में जाएगी, स्विच उसको मल्टीकास्ट करेगा, सभी राउटर के पास में जाएगी जिन पे OSPF चल रहा है। बट जितने भी राउटर्स हैं वो सारे इग्नोर करेंगे उसको, और जो सिर्फ DR राउटर है वो उसको क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। तो .6 एड्रेस को कौन लिसन कर रहा होता है DR राउटर, और .5 एड्रेस को कौन लिसन कर रहा होता है ऑल राउटर्स। आगे बात समझ में, बात करेंगे DR BDR के बारे में, आएगा ये कॉन्सेप्ट आपका। तो चलो अब हम लोग ना थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं, प्रोटोकॉल नंबर वगैरह क्या है। दो राउटर है R1 एंड R2, इन दोनों राउटर पे हमने OSPF प्रोटोकॉल रन किया हुआ है, ठीक है। आईपी एड्रेस वही है उनके, ठीक है। और आप लोगों को पता है जैसे EIGRP अपना हेलो मैसेज भेजता है, वैसे OSPF भी क्या करता है अपना हेलो मैसेज भेजता है। पहले एक और लाइन ऐड कर लेना, EIGRP इज ए लेयर 3 प्रोटोकॉल, सॉरी OSPF इज ए लेयर 3 प्रोटोकॉल, ये लेयर 3 प्रोटोकॉल आपका, ठीक है। तो होगा क्या, इस राउटर पे OSPF चल रहा है तो ये राउटर क्या करेगा एक अपना हेलो मैसेज भेजेगा ना, तो OSPF कौन सी लेयर पे काम कर रहा होता है लेयर 3 पे। तो लेयर 3 पे OSPF क्या करेगा अपना एक मैसेज जनरेट करेगा, कोई भी मैसेज है हेलो अपडेट जो भी है, ठीक है। और इसको हैंडओवर कर देगा लेयर 3 पे ही किसको आईपी प्रोटोकॉल को। ये सारी प्रोसेस कहां पे चल रही है लेयर 3 पे। आईपी प्रोटोकॉल को यहां पे क्या रिसीव हुआ एक हेलो मैसेज, और आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा अपना एक यहां पे आईपी हेडर क्या अटैच करेगा, है ना, आईपी हेडर अटैच करेगा जिसमें सोर्स आईपी क्या होगा इस राउटर का, डेस्टिनेशन आईपी विल बी 224.0.0.5, है ना। और यहां पे ये जो पेलोड
जो ये डेटा हैंडओवर किया वो किस प्रोटोकॉल ने हैंडओवर किया है? ओएसपीएफ ने ना, तो ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल नंबर ऐड कर देगा यहाँ पे 89 आईपी प्रोटोकॉल नंबर, और ये एक पैकेट क्या हो जाएगा, इनकैप्सुलेट, और ये आईपी प्रोटोकॉल इसको लेयर 2 को हैंडओवर कर देगा। अब सीरियल लिंक है, तो सीरियल लिंक के केस में लेयर 2 पे बाय डिफॉल्ट कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा होता है? तो एचडीएलसी प्रोटोकॉल को यहां पे अगर इथरनेट लिंक होगा तो लेयर 2 पे आरपा प्रोटोकॉल को हैंडओवर करता ना, तो पैकेट हैंडओवर करेगा और यहां पे एचडीएलसी यहां पे अपना हेडर क्या कर देगा, अटैच कर देगा, और ये फ्रेम इनकैप्सुलेट हो जाएगा और फ्रेम भेज देगा किसके पास में, सामने वाले राउटर के पास में। जैसे ही सामने वाले राउटर के पास में वो फ्रेम रिसीव होगा, वो लेयर 2 पे इस एचडीएलसी हेडर को क्या कर देगा, रिमूव करेगा, और जो बचा हुआ पेलोड है इस एचडीएलसी हेडर में ना एक टाइप फील्ड भी लग के जा रही होती है, क्या 0x0800, ये पेलोड किसने दिया, आईपी प्रोटोकॉल ने, तो आईपी प्रोटोकॉल का टाइप कोड। तो जब ये सामने वाला डिवाइस इस एचडीएलसी हेडर को यहां पे रिमूव करेगा तो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है, वो टाइप फील्ड में चेक कर लेगा, टाइप फील्ड में कोड किसका है, IPv4 का ना, तो ये बचा हुआ पेलोड जो है वो लेयर 3 पे किसको हैंडओवर कर देगा, आईपी प्रोटोकॉल को, और आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, अपना आईपी हेडर यहां पे क्या करेगा, रिमूव करेगा, और ये चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 224.0.0.5 एड्रेस है ना। तो होगा क्या, जब इस राउटर पे आप ओएसपीएफ इनेबल करोगे और इस इंटरफेस को जब आप ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करवाओगे, एडवर्टाइज करवाते ये इंटरफेस 224.0.0.5 एड्रेस का जो एक मल्टीकास्ट ग्रुप है उसको क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा, और इस एड्रेस पे कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको एक्सेप्ट करना क्या कर लेगा, स्टार्ट कर लेगा। जैसे इस इंटरफेस को आप ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करवाओगे, ये इंटरफेस एक मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा, कौन से मल्टीकास्ट ग्रुप को, 224.0.0.5 एड्रेस को, जो DR राउटर है वो दो मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करेगा, 224.0.0.5 को एंड 6 को, और ये वाला राउटर अभी कोई DR नहीं है तो ये 6 एड्रेस को ज्वाइन नहीं करने वाला मल्टीकास्ट ग्रुप को। तो जैसे ही यहां पे इसने ओपन किया ये आईपी हेडर, उसने चेक किया डेस्टिनेशन आईपी क्या 224.0.0.5 है ना, और ये उस मल्टीकास्ट ग्रुप में है ना, तो उस ग्रुप में उस मल्टीकास्ट एड्रेस पे कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको लिसन क्या करना क्या कर लेगा, स्टार्ट कर लेगा, तो ये लेयर 3 पे इसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और देन जो बचा हुआ पेलोड है वो किसको हैंडओवर करना है, आईपी प्रोटोकॉल फील्ड से पता चल जाएगा ना किसका है, 89 है तो किसको हैंडओवर करना है, यहां पे लेयर 3 पे एक और प्रोटोकॉल चल रहा होगा ओएसपीएफ, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर देगा और ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को ये हेलो मैसेज क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल फील्ड वगैरह के बारे में आइडिया हो गया होगा, प्रोटोकॉल फील्ड का क्या यूज है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है तुम्हारा, ठीक है ना, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अपर वाली लेयर पे किसको हैंडओवर करनी है, EIGRP को, RIP को, OSPF को, BGP को, ISIS को, किसको हैंडओवर करनी है, तो 89 है तो किसको हैंडओवर करेगा वो, OSPF को, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट इसी में मेंशन करना, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ इज कितने होते हैं, 16, याद है, जैसे EIGRP में होता है, मतलब सेम अगर कोई प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है, सॉरी 4, जब राउटर को एक कोई प्रीफिक्स रिसीव हो रहा है अलग अलग पाथ से और सबकी मैट्रिक है सेम है, तो अपनी राउटिंग टेबल में कितने पाथ इंस्टॉल करेगा, कितने पाथ के बीच में लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा, 4 पाथ्स के बीच में है ना, और आप मैक्सिमम जो यूज कर सकते हो अप टू 16, जैसे EIGRP में था, ठीक है। इसी में एक और लाइन ऐड कर लेना, इट इज ए क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल। अब क्लास लेस राउटिंग प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, ये जब भी अपने प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, सबनेट मास्क लगा के भेजेगा, सबनेट मास्क शेयर करेगा। इसमें एक और लाइन ऐड कर लेना, बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी इज डिसेबल्ड, बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी यहां पे डिसेबल होती है, ऑटो समरी यहां पे डिसेबल करने की जरूरत नहीं है। EIGRP में आप लोगों ने देखा था कुछ जो आपके लेगेसी जो आपके लाइक 15.0 से जो लोअर ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके अंदर क्या था, बाय डिफॉल्ट ऑन था ना, उसको हमने ऑफ करना पड़ता था, तो यहां पे आपको डिसेबल करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही डिसेबल्ड है।
और क्या रह गया इसमें बेसिक? बताओ, बोलो। इसमें एक और लाइन ऐड करना, इट यूजेस एसपीएफ एल्गोरिदम फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन, फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन। ये एसपीएफ एल्गोरिदम यूज करता है फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन, ठीक है? ओके, चलो इसको समझ लेते हैं। लेट सपोज यहां पे मेरे पास में कुछ राउटर अटैच्ड हैं, R1, R2, R3 एंड R4। कुछ नंबर ऑफ राउटर कनेक्टेड है हमारे पास में, और इनके बीच में जो लिंक यूज कर रहा हूं मैं वो सीरियल लिंक यूज कर रहा हूं, ठीक है? और इन लिंक के बीच में जो नेटवर्क यूज हो रहे हैं यहां पे 12.1.1.0/24 का, 13.1.1.0/24 ना, 24.1.1.0/24 एंड 34.1.1.0/24। और इन लिंक की कॉस्ट कितनी होगी? ठीक है। और R3 के पास में यहां पे एक और प्रीफिक्स है, यहां पे एक स्विच के साथ में 10.1.1.0/24 का, और ये इथरनेट लिंक मान लेते हैं। इथरनेट लिंक की कॉस्ट कितनी होती है? 10। अब होता देखो क्या है, OSPF में हर एक राउटर अपनी एक डेटाबेस टेबल बनाता है। क्या बनाता है? डेटाबेस टेबल। EIGRP याद है? EIGRP में कितने टाइप के टेबल बनती थी? तीन टाइप के। कौन कौन सी? नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। ऐसे यहां पे भी कुछ टाइप्स ऑफ टेबल है आपकी, तीन टाइप की टेबल है यहां पे भी। एक होती है नेबर टेबल, जैसी दो राउटर के बीच में आप OSPF इनेबल करोगे, दोनों राउटर एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? नेबर। और वो नेबर्स की इंफॉर्मेशन कहां पे रखेगा? वो नेबर टेबल में रखेगा, ठीक है? और नेबर टेबल बनने के बाद में जो भी नेबर बने हैं, राउटर्स अपने नेबर्स को एक दूसरे को अपना डेटाबेस क्या करते हैं? शेयर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और अपनी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और वो जो इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखता है वो कहां पे रखता है? डेटाबेस टेबल में। जैसे EIGRP किस में रखता था? टोपोलॉजी टेबल में। और फिर EIGRP क्या करता था? टोपोलॉजी टेबल पे ड्यूअल एल्गोरिदम रन करके अपनी एक राउटिंग टेबल जनरेट करता था ना। वैसे ही OSPF क्या करेगा, इस डेटाबेस टेबल पे एक SPF एल्गोरिदम रन करेगा, और SPF एल्गोरिदम से क्या बनाएगा? अपनी एक राउटिंग टेबल, ठीक है? लिख लिया ये। चलो अभी वापस से आ जाते हैं यहां पे हम लोग। अब देखो होगा क्या, यहां पे हर एक राउटर क्या करता है? अपनी एक डेटाबेस टेबल बनाता है। और डेटाबेस टेबल में क्या रहेगा? डेटाबेस टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन रखता है अपनी, जिनको हम लोग बोलते हैं LSAs। क्या बोलते हैं? जैसे R1 है, R1 अपनी डेटाबेस टेबल बनाएगा, R2 भी अपनी एक डेटाबेस टेबल बनाएगा, R3 भी अपनी एक डेटाबेस टेबल बना रहा होगा, एंड R4 भी अपनी एक डेटाबेस टेबल बना रहा होगा। ये सभी राउटर क्या करेंगे? अपनी एक डेटाबेस टेबल बन, नेबर टेबल तो है ही, साथ में क्या बनेगी इनकी? एक डेटाबेस टेबल, ठीक है? और इस डेटाबेस टेबल में राउटर्स क्या करते हैं? राउटर्स ये डेटाबेस टेबल किससे बनाते हैं? कुछ नंबर ऑफ LSA होते हैं, और नंबर ऑफ LSA क्या, LSA से क्या करते हैं? अपने डेटाबेस टेबल बनाते हैं। बात करेंगे कितने टाइप के LSAs होते हैं।
LSA stand for link state advertisement. कुछ टाइप्स ऑफ LSAs होते हैं, उन LSAs से राउटर क्या करता है, अपनी एक डेटाबेस टेबल मेंटेन करता है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो ये सभी राउटर ना अपना एक LSA जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं, अपना एक LSA, जैसे R1 है, R1 अपना एक LSA जनरेट करेगा, या फिर मैं अभी R3 का एग्जांपल दे देता हूं आपको। R3 क्या करेगा, अपना एक LSA जनरेट करेगा। R3 राउटर है, R3 के ऊपर जो ये लिंक था सीरियल था, ये भी सीरियल था, नेटवर्क कौन सा था यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा था। तो R3 क्या करेगा, अपना एक LSA बनाएगा। इस LSA के अंदर ये अपने लिंक्स की इंफॉर्मेशन रखेगा। किस चीज की इंफॉर्मेशन रखेगा, ये अपने लिंक्स की। तो ये रखेगा, एक मेरे पास में लिंक है लिंक 1, और उस पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो 10.1.1.0/24 का यूज हो रहा है, और उस लिंक की जो कॉस्ट है वो कितनी है 10। एक और लिंक है इस राउटर पे लिंक 2, उस पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो 13.1.1.0/24 का यूज हो रहा है, और उस लिंक की जो कॉस्ट है वो कितनी है 64। एक और लिंक है इस राउटर पे लिंक 3, और उस पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो 34.1.1.0/24, और उस लिंक पे जो कॉस्ट यूज हो रही है वो कितनी यूज हो रही है 64। इस तरह से ये राउटर क्या करेगा, अपना एक LSA बनाएगा R3। इसी तरह से R2 भी अपना LSA बनाएगा, R3 भी एंड R4 भी, और उन LSA में क्या रहेगी, उन राउटर्स के लिंक्स की इंफॉर्मेशन। तो R1 ने अपना एक LSA बनाया, ये LSA किसका है, R1 का। ऐसे ही ये भी अपना एक LSA बनाएगा, LSA किसका है, R2 का। ये भी अपना एक LSA बनाएगा, और LSA रखते कहां पे अपने इसमें डेटाबेस टेबल में। और ये R4 ने भी अपना एक LSA बनाया, ये किसका LSA है, R4 का, ठीक है। और होगा क्या, जैसे ही नेबर अप आएंगे, नेबर अप आते ही ये राउटर्स क्या करते हैं, अपनी डेटाबेस टेबल में जो LSAs पड़े हैं इनको एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, ये अपने प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। राउटर्स क्या शेयर करते हैं, डेटाबेस टेबल में क्या पड़े होते हैं, जो LSAs पड़े होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे होते हैं, शेयर। तो R1 के पास में एक LSA आ जाएगा किसका, R2 का भी, और इसके पास में एक LSA आ जाएगा किसका, R1 का। ये दोनों राउटर भी अपनी LSA जो डेटाबेस टेबल है, जब नेबर अप आएंगे तो ये दोनों राउटर भी अपना LSA एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, एक्सचेंज। फर्स्ट टाइम तो मैंने बताया था OSPF क्या करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या कर रहा होता है, शेयर। तो इसके पास में कौन कौन से LSA आ जाएंगे, LSA R1 का और LSA R2 का, और इसी तरह से ये दोनों भी आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, तो कंप्लीट डेटाबेस टेबल। तो इसके पास में LSA R4 का, ये भी अपनी पूरी कंप्लीट डेटाबेस टेबल इसके साथ में शेयर कर रहा होगा, तो इसके पास में LSA आ जाएगा R3 का भी, R2 का भी, R1 का भी। ये दोनों भी अपनी डेटाबेस टेबल एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे होंगे, R3 का, R4 का। ये दोनों भी अपनी डेटाबेस टेबल शेयर कर रहे हैं, तो ये डेटाबेस कंप्लीट डेटाबेस टेबल इसको शेयर करेगा। तो इसके पास में LSA, जितने भी LSA पड़े हैं वो आ जाएंगे, R3 का भी और LSA R4 का भी। इन सबका डेटाबेस क्या हो जाएगा, अपडेट हो गया। और हर एक राउटर के पास में जितने भी LSA हैं उसकी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, रिसीव हो गई। और एक बात बताओ, इन LSA में किस चीज की इंफॉर्मेशन आ रही है, इस जो ये LSA आ रहे हैं, जो डेटाबेस टेबल है, डेटाबेस टेबल में R1 के पास में जितने भी राउटर है सबके LSA आ गए, और उस LSA के अंदर क्या है, उन राउटर्स के लिंक्स की इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ लिंक कितने हैं उस राउटर पे, उन लिंक पे नेटवर्क कौन कौन से यूज हो रहे हैं, उन लिंक की कॉस्ट कितनी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही है। और हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं ना, उनके पास में पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है। जो EIGRP, जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं ना, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल को सिर्फ अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल,
जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे रिप कैसे काम करता है, जैसे आर वन है, आर टू है, आगे एक आर थ्री है, यहाँ पे एक आर फोर है और आर फाइव है, इन पे रिप चल रहा है, एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। इसने इसको 10 का प्रीफिक्स शेयर किया, एक हॉप काउंट वैल्यू लगा के भेजेगा वन, और आर थ्री ने भी, आर थ्री के पास में भी एक 10 का प्रीफिक्स था, ये इसको शेयर करेगा हॉप काउंट वैल्यू लगा के भेजेगा वन, और ये भी तो 10 का प्रीफिक्स आगे शेयर करेगा, हॉप काउंट वैल्यू कितनी लगा के देगा, टू। और ई आई जी आर सॉरी ये जो रिप जो है वो एज ए मेट्रिक क्या यूज कर रहा, हॉप काउंट वैल्यू, तो कौन से पाथ को अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा, आर वन वाया आर थ्री, अरे भाई आर थ्री करेगा ना, जो लोअर मैट्रिक आ रही है, और ये क्या कर देगा, ये इस प्रीफिक्स को आगे शेयर करेगा, तो हॉप काउंट वैल्यू फिर कितनी लगा के भेजेगा, टू। आर वन क्या कर लेगा, अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा पाथ 10 का प्रीफिक्स, अगर 10.1.1.0/24 को कम्युनिकेट करना है तो मैट्रिक कितनी है, और वाया किसके थ्रू, आर टू के थ्रू, अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। R1 को एक चीज पता है कि मैंने 10 के प्रीफिक्स तक कोई इंफॉर्मेशन भेज, मैंने 10 के नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है, तो मैं R2 से कम्युनिकेट कर सकता हूं, इसको इसके नेबर का पता है, लेकिन इसको ये नहीं पता R1 को कि जो R2 है डेटा ट्रैफिक R3 से भेजेगा या फिर R4 से भेजेगा, समझ में आ रही है बात। ये राउटर्स क्या करते थे, अपनी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन अपने नेबर को क्या करते थे, शेयर करते थे। अरे ऑब्वियस ही बात है, आर3 की अपनी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है, आर5 भी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन 10 का नेटवर्क शेयर कर रहा है, आगे 10 का नेटवर्क शेयर कर रहा है। अब आर2 के पास में सेम 10 का नेटवर्क दो अलग अलग पाथ से आ रहा है, जिस पाथ से मैट्रिक क्या होगी कम होगी उसी को इंस्टॉल कर लेगा, और जो इंस्टॉल हो गया राउटिंग टेबल में उसी को तो आगे क्या करेगा, शेयर करेगा। ये वाला पाथ आगे शेयर करने वाला है, ये दूसरा पाथ नहीं। तो R1 को एक चीज पता है, मैंने 10 के नेटवर्क को कम्युनिकेट करना है, तो मैं इस नेबर के थ्रू R2 के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता हूं, बट R2 मेरा ट्रैफिक आगे R3 से भेज रहा है, R4 से भेज रहा है, R1 को इस चीज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है, राउटर्स को अपने सिर्फ नेबर्स की ही क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। बट अगर मैं बात करूं किसकी, एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में आप लोगों ने पढ़ा होगा CCNA में, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में प्रोटोकॉल्स को पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है, पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है। पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन कैसे होगी, देखो R1 के पास में जितने नंबर ऑफ राउटर है उन सबका क्या आ रहा है, LSA आ रहा है, और उस LSA में किस चीज की इंफॉर्मेशन आ रही है, लिंक्स की इंफॉर्मेशन आ रही है सभी। तो R1 को इस लिंक की भी इंफॉर्मेशन होगी, इस वाले लिंक की भी इंफॉर्मेशन होगी, इस वाले लिंक की भी इंफॉर्मेशन होगी, और R2 और R4 के बीच के लिंक की भी इंफॉर्मेशन होगी, समझ में आ रही है ना बात। अब R1 को पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन है, कौन राउटर किससे कैसे कनेक्टेड है, उनके बीच में लिंक जो है उनकी कॉस्ट क्या है, उन लिंक के ऊपर नेटवर्क कौन सा है, मुझे एक बात बताओ, R1 ये अपनी डेटाबेस टेबल चेक करके पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है ना, क्यों कर सकता है, उसके पास में सभी लिंक्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, बात आ रही है समझ में। तो यहां पे हर एक राउटर को पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता था, राउटर्स को सिर्फ अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती। देखो देखो यहां पे R1 पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन कर सकता है, R2 भी, R4 भी, एंड R3 ये पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी डिजाइन कर सकते हैं अपने। और बेसिक बात, इनके पास में LSAs आ रहे हैं सभी राउटर के, उन LSAs में क्या आ रहा है, उन राउटर्स पे जो लिंक कनेक्टेड है उन लिंक्स की इंफॉर्मेशन आ रही है, बात आ रही है ना समझ में। ओके अब देखो होगा क्या, अब R1 क्या करेगा, R1 अपने इस डेटाबेस टेबल पे एक एल्गोरिदम रन करेगा जिसको बोलते हैं SPF एल्गोरिदम, और जैसे इस पे SPF एल्गोरिदम रन करेगा, यहां पे जितने भी प्रीफिक्सेस हैं हर एक लिंक पे उन पे जाने के लिए वो क्या कैलकुलेट करेगा, कॉस्ट। अब देखो मैं बाकी नेटवर्क को इग्नोर कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ 10 के नेटवर्क की बात कर रहा हूं। R1 क्या करेगा, अपने डेटाबेस टेबल पे जब SPF एल्गोरिदम रन करेगा उसको वहां पे एक लिंक पे 10 का नेटवर्क मिलेगा, 10 का नेटवर्क मिलेगा, और 10 के नेटवर्क तक वो इस पाथ से भी जा सकता है, उसको पता है इस राउटर को, और वो वाया R2 R4 से होता हुआ भी जा सकता है 10 के नेटवर्क तक, समझ में आ रही है ना बात। तो अब अगर R1
इस पाथ से अगर 10 के नेटवर्क तक जाएगा तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 74. और इस वाले पाथ से जाएगा तो 192 प्लस 10 कितनी होगी? 202. कॉस्ट किस पाथ से कम है? R3 से, वाई R3. तो अपनी राउटिंग टेबल में R1 एक पाथ, एक रूट इंस्टॉल कर लेगा. R1 अपनी राउटिंग टेबल बनाएगा, उसमें क्या रखेगा? अगर 10.1.1.0/24 को कम्युनिकेट करना है तो यहां पे तो होगी वो OSPF की AD वैल्यू स्लैश, और यहां पे होगी वो मैट्रिक जो क्या यूज कर रहा होता है, कॉस्ट. और वाया अपनी राउटिंग टेबल में ये पाथ क्या कर लेगा? इंस्टॉल कर लेगा. बात आगे समझ में? कैसे SPF एल्गोरिथम काम कर रही होती है. और जो ये डेटाबेस टेबल पे जो ये जितने भी लिंक्स आ रहे हैं उन सभी प्रीफिक्सेस के लिए क्या करेगा? कॉस्ट कैलकुलेट करेगा वहां तक जाने के लिए, और जो पाथ आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा. आगे बात समझ में? और हाँ, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, R1 जब भी अपना LSA1 शेयर, R3 जब भी अपना LSA शेयर कर रहा है ना, इस LSA के साथ में एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजता है. क्या भेजता है? एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजता है. सपोज कौन सा था? R3 का LSA था ना, तो ये स्टार्टिंग में सीक्वेंस नंबर 1 से इंफॉर्मेशन शेयर करी थी इसका. R3 ने अपना जो LSA बनाया था उसमें उसके सारे लिंक्स थे, तो उस LSA के साथ में एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजेगा, कितना? 1. तो इन सभी राउटर को जो इंफॉर्मेशन मिली है, LSA मिला है R3 का, वो किस सीक्वेंस नंबर से मिला है? 1 से मिला था. और सभी राउटर ने क्या किया? ऐसे ही R2 भी अपने डेटाबेस टेबल पे SPF एल्गोरिथम रन करेगा, तो इसको भी यहां पे एक 10 का नेटवर्क मिलेगा. 10 के नेटवर्क तो वो यहां से भी जा सकता है और यहां से भी जा सकता है. दोनों पास मैट्रिक है सेम. ये क्या परफॉर्म करेगा? लोड बैलेंसिंग. और ये भी अपने डेटाबेस टेबल पे SPF एल्गोरिथम रन करेगा, और ये यहां से भी जा सकता है और यहां से भी जा सकता है. कौन सा पाथ इंस्टॉल कर लेगा? वाया आर. अब हुआ क्या, ये लिंक हो गया डाउन. ये लिंक क्या हुआ? डाउन. और ये लिंक डाउन होते ही R3 अपने इस डेटाबेस टेबल से, पहले इसने ये LSA किस सीक्वेंस नंबर से शेयर किया था? 1 से. ये लिंक डाउन होते ही ये क्या करेगा? अपने इस LSA से ये लिंक की इंफॉर्मेशन क्या कर देगा? रिमूव कर देगा. लिंक इंफॉर्मेशन रिमूव जैसे ही करेगा, तो रिमूव करते ही इसके सीक्वेंस नंबर में क्या कर देगा? इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1. इंक्रीमेंट कितना कर दिया? 2 कर दिया. 1 कर दिया, कितना हो गया सीक्वेंस नंबर? 2. और अब ये क्या करेगा, इस सेम LSA को अब किस सीक्वेंस नंबर से शेयर करेगा? ये 2 से. इसके पास में भी आएगी इंफॉर्मेशन, वो इसके पास में भी जाएगी, इसके पास में भी इंफॉर्मेशन जाएगी. और सिर्फ अब कंप्लीट डेटाबेस टेबल शेयर नहीं करने वाला, ये जिस LSA में चेंज हुआ है, तो सिर्फ R3 अपना LSA क्या कर रहा होगा? फ्लड करेगा, शेयर करेगा इसके साथ में. तो सीक्वेंस नंबर 2 से इंफॉर्मेशन आएगी, अपडेट कर लेगा. ये इसी LSA को आगे भेज देगा सीक्वेंस नंबर 2 से, या ऐड कर लेगा. और ये भी क्या कर लेगा, सीक्वेंस नंबर 2 से अपने डेटाबेस टेबल में क्या कर लेगा, तो नया LSA फिर से वो LSA आ रहा है एक हायर सीक्वेंस नंबर से. मतलब पहले इनके पास में डेटाबेस टेबल में किस सीक्वेंस नंबर से इंफॉर्मेशन पड़ी थी? 1 से. और जो अभी इंफॉर्मेशन आ रही है, मतलब एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये अपने डेटाबेस टेबल में क्या कर लेंगे? उसको अपडेट कर लेंगे. अब एक चीज बताओ, इन सबके डेटाबेस में क्या हो रहा है? चेंज हुआ है कुछ इनके डेटाबेस में, डेटाबेस टेबल में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है. तो ये क्या करेंगे राउटर्स, जब भी राउटर्स के डेटाबेस टेबल में चेंज होगा, राउटर्स क्या करेंगे? अपनी SPF एल्गोरिथम दोबारा रन करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे. फिर से ये राउटर्स अपनी SPF एल्गोरिथम रन करेंगे, तो इस बार इन राउटर्स की राउटिंग टेबल, डेटाबेस टेबल में कोई वो 10 वाला प्रीफिक्स मिलेगा, वो वाला लिंक मिलेगा, वो लिंक होगा ही नहीं. तो सभी राउटर क्या करेंगे, अपने राउटिंग टेबल से ये 10 के नेटवर्क इंफॉर्मेशन क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, हटा देंगे. बात आ रही है समझ में? और जैसे ही, और हाँ, अब ये बार बार इंफॉर्मेशन डेटाबेस टेबल शेयर नहीं कर रहे होते राउटर. अब जैसे ही थोड़े टाइम के बाद में, जैसे ही ये लिंक अप आएगा, लिंक अप आते ही ये फिर से राउटर अपने LSA के अंदर इस लिंक को क्या करेगा? ऐड करेगा. और ऐड करते ही फिर से क्या करेगा, ये सीक्वेंस नंबर में इंक्रीमेंट कर देगा, कितना? 3 कर देगा. और अब सीक्वेंस नंबर 3 से ये R3 अपना LSA फिर से शेयर करेगा अपने नेबर्स के साथ में. अब सभी राउटर के पास में वो LSA आएगा विद सीक्वेंस नंबर 3. पहले किस सीक्वेंस नंबर से इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है? 2 से. मतलब एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ रही है. राउटर्स क्या कर लेंगे, इसको अपने डेटाबेस टेबल में क्या कर लेंगे? अपडेट कर लेंगे. और अब इन 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 सभी राउटर का डेटाबेस में क्या हो रहा है? चेंज.
जैसे डेटाबेस में चेंज होगा सभी राउटर क्या करेंगे, फिर से अपनी SPF एल्गोरिदम रन करेंगे, और इस बार जब SPF एल्गोरिदम रन करेंगे तो इस बार उनको फिर से एक यहाँ पे नया नेटवर्क मिलेगा 10 का डेटाबेस टेबल में। उस 10 के नेटवर्क तक जाने के लिए अपनी कॉस्ट क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर से राउटिंग टेबल में उस पाथ को क्या कर लेंगे, इंजेक्ट कर लेंगे उस प्रीफिक्स को। आगे बात समझ में, SPF कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो आपका SPF सिर्फ नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती थी। आगे बात समझ में, तो ये एक और डिफरेंस हो गया किसमें, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में। क्लियर है ये चीज, हटा दूं इसको मैं। पार्शियल भी तो जा रहा है अपडेट, LSA सेंड कर रहा है ना, ये अपना LSA सिर्फ है ना। अब देखो लिंक्स की यहां पे प्रीफिक्स शेयर नहीं होते, OSPF में प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती है। OSPF में क्या होता है, LSA होते हैं, और इस LSA में क्या है, लिंक्स। अब ये नहीं है ना कि ये अलग अलग LSA बनाए, अलग अलग LSA में अलग अलग लिंक की इंफॉर्मेशन रखे, ऐसा नहीं करता राउटर। क्या करेगा, एक ही LSA बनाएगा, उस एक ही LSA में उसके सारे लिंक्स होंगे, और इस राउटर का कोई लिंक में लिंक कोई डाउन हुआ है तो ये सिर्फ अपना LSA ही क्या करेगा, शेयर करेगा अपने नेबर के साथ में, ना कि पूरी कंप्लीट डेटाबेस टेबल। उस लिंक को हटा देगा उस LSA से और ये आगे शेयर कर देगा। अब इनके डेटाबेस टेबल में सिर्फ R3 के डेटाबेस में क्या हो रहा है, R3 के LSA में क्या हो रहा है चेंज, तो ये R3 का LSA आगे क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ना कि अपनी पूरी कंप्लीट डेटाबेस टेबल। ठीक है, ओके। ये थोड़ा बहुत SPF एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है वो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, बात करेंगे LSS के बारे में, बहुत टाइप के LSS होते हैं, LSS के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉपिक आएगा आपका LSS का। उससे पहले हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैसेजेस के बारे में।